नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रजंदीपुर पंचायत स्थित महंत स्थान के पास गुरुवार की अहले सुबह एक युवक का शव संदेहास्पद अवस्था में पुलिस ने बरामद किया है। मृतक युवक की पहचान जीरो माइल थाना क्षेत्र के जियाउद्दीनपुर चौका निवासी विनोद मंडल के 19 वर्षीय पुत्र मिथुन कुमार के रूप में हुई है। वहीं इसको लेकर मृतक के पिता विनोद मंडल और माँ तारा देवी ने बताया कि उनके पुत्र को किसी अज्ञात अपराधियों के द्वारा सुनसान जगह पर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि मृतक की किसी से पुरानी रंजिश होने की बात अब तक सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि मृतक मिथुन कुमार के मुंह में मिट्टी भरा हुआ था, जिससे ग्रामीणों द्वारा उसे कीचड़ में सिर डालकर हत्या करने की बात कही जा रही है। वहीं पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। सुबह पता चला कि जब इधर से कोई लेडीज फेडीज आया होगा दिशा मैदान करने के लिए, इसी ने हल्ला किया तो वहाँ सुनील ठाकुर ने हमको फोन किया। हम फोन पर हम लोग आए तो देखते हैं तो हम ही का है। मृतक का क्या नाम? मृतक का नाम है कुंदन कुमार। पिता का नाम? विनोदी मंडल। कहाँ घर है? जौदीनपुर चौका। आपको घटना का जो पता चला कैसा शक लग रहा है आपको? शक लग रहा है तो हम देखबे नहीं किए हैं तो। आपका क्या नाम है? विनोदी मंडल। ऐसा पता भी आना है बापा को गोर लगा कर लेकर चेक दे कौन कचे कुंदन ना ये लो चाहे कचे की तो रहे लंग सोता जी दोनों बाप बेटा कर ठक कचे ना ये लो जी कचे दे कौन है बापा कचे एक मारी इधर को कचे हाथ तो कचे मार ले कंटा खोजो नहीं कलका मने को जाए लिया खो जाए लग खो जी के लिए कचे कटा दे कौन पता लगा वो तो राम मुराक का लग लिया तीन दस ना पाउन करके की न डालो पर एक तो लास्ट चेत छटका बेटा एक बार देख भेज ले कंटा जो बेटा। भागलपुर में एक बैंक कर्मी से छिनतई के दौरान विरोध करने पर अपराधियों ने बैंक कर्मी को गोली मार दी, जिससे बैंक कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बैंक कर्मी पैसा कलेक्शन कर वापस लौट रहा था, तभी सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरघट पुल के समीप अज्ञात अपराधियों ने उसे रोककर कलेक्शन का पैसा छीनने का प्रयास किया और जब बैंक कर्मी ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं अपराधियों की गोली बैंक कर्मी के सीने में लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बैंक कर्मी का इलाज सुल्तानगंज के रेफर अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि बुधवार की रात बैंक कर्मी पैसा कलेक्शन कर वापस लौट रहा था, तभी अपराधियों ने उसे रोककर हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद सुल्तानगंज पुलिस मौके पर पहुंची, जहां बैंक कर्मी से पूछताछ करते हुए इस मामले के छानबीन में जुट गई। माइक्रो फाइनेंस का स्टाफ है, पैसा कलेक्शन करके ग्राहकों से आ रहे थे, तीन स्टाफ थे, तीनों मिल के आ रहे थे। इसे 6 अज्ञात आदमी मोटरसाइकिल से, 2 मोटरसाइकिल के सवार थे, इसको घेर के पैसा छीन लिए और गला में गोली मार दी। कितना पैसा का छिनतई हुआ? 1,20,421 रुपये छिनतई हुआ है जी। ये क्या नाम है इनका? जो मुकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ये ऊपर खगड़िया के रहने वाले। गंगा उत्सव मेगा इवेंट कार्यक्रम को लेकर भागलपुर नगर निगम की ओर से बरारी स्थित गंगा घाट पर गंगा आरती समेत कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों और कलाकारों के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया, जबकि स्कूली बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी जाएगी। 23 से 25 नवम्बर तक चलने वाले मेगा इवेंट को लेकर गंगा आरती के साथ बरारी गंगा घाट पर गंगा की स्वच्छता और आसपास में साफ सफाई का संदेश देते हुए बुधवार एवं गुरुवार को लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। बता दें कि लंबे समय से गंगा की सफाई को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, जबकि समय समय पर सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के सहयोग से नगर निगम द्वारा भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिससे गंगा आरती के साथ गंगा तट के महत्व की जानकारी भी लोगों तक पहुँचाई जा सके। मौके पर नगर निगम के कई कर्मी समेत काफी संख्या में श्रद्धालु और अलग अलग जगहों से आए लोग मौजूद रहे। कराया गया है 23 से 25 तारीख तक 3 दिन का मेगा इवेंट है गंगा उत्सव का। इसी के तहत में विभिन्न कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, उसमें से पर डे तीनों दिन गंगा आरती कराया गया और कल भी कराया जाएगा। कल स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भी कराए जाएंगे और आज भजन का जैसे भी कार्यक्रम था गंगा आरती के अलावा, और कल सिर्फ मुख्यतः जो 23 तारीख को हुई
की सर गंगा आरती? बरारी सीढ़ी घाट पर भजन संध्या का कार्यक्रम किया जा रहा है और गंगा आरती संपन्न हो चुकी है और भजन का कार्यक्रम और कुछ देर चलेगा और कल मुख्यतः स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने और आर्थिक रूप से संपन्न बनाए जाने को लेकर उद्यमी योजना के तहत लघु और कुटीर उद्योग खुलवाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर की महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी को उद्योग लगाने के लिए सरकार के द्वारा सहायता राशि प्रदान की गई थी, जिसके बाद महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी ने भागलपुर में पहली बार देसी होम फ्लेवर नाम से शुद्ध सरसों तेल उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया। बता दें कि फिलहाल देसी होम फ्लेवर में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कच्ची घानी का सरसों तेल शुद्धता के साथ उपलब्ध कराना प्रारंभ किया गया है, जबकि कंपनी के द्वारा लीज पर हजारों एकड़ जमीन लेकर ऑर्गेनिक सरसों की खेती भी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर स्वीटी कुमारी ने बताया कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खेती के दौरान किसी भी केमिकल या खाद का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। बाजार में शुद्ध सरसों तेल की कमी को देखते हुए मेरे मन में ये ख्याल आया कि हम शुद्ध सरसों तेल का उत्पादन करें, इसलिए हमने ऑटोमेटिक शुद्ध सरसों तेल का प्लांट बैठाया है जिसमें फिल्टर्ड के होके शुद्ध सरसों तेल का उत्पादन होता है। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि लोगों के घर डोर टू डोर फ्री होम डिलीवरी के साथ शुद्ध सरसों तेल हमारा पहुँचे। और हमारा यही स्लोगन है, स्वस्थ रहो मस्त रहो, स्वास्थ्य ही सब कुछ है। देसी होम फ्लेवर के नाम से सैकड़ों बीघा जमीन लिया गया है लीज पे सरसों लगाने के लिए, ऑर्गेनिक खेती हो रहा है और जो है कि स्वास्थ्य के लिए ही, कि स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ सही है। आगे पटाई पटवन हो रहा है बिना खाद के सरसों उपजाना, मैंने करे ककरे हानि पहुँचाबा नहीं, ओकरा खटे छे करे छे उपजाए छे, ओकरा रहते तो सरसों तेल होते स्वास्थ्य ठीक रहते। भागलपुर चंपानगर के पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर नरगाकोठी स्थित वंदना सभागार में स्वागत सह पद ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह को उद्घाटन विभाग सह प्रमुख विनोद कुमार, प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक और शिशु मंदिर के नए प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विभाग सह प्रमुख विनोद कुमार ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है, राजेश कुमार ने जिस विद्यालय से अपनी शिक्षा प्रारंभ की उसी विद्यालय में आज प्रभारी प्रधानाचार्य का दायित्व ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने राजेश कुमार को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से उनके उज्जवल भविष्य और विद्यालय की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कामना की। प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक ने कहा कि प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार के निर्देशन में यहाँ के बालकों का निरंतर विकास होगा, जबकि विद्यालय भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास करेगा। इसके अलावा नए प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने अपने बचपन की स्मृति को याद करते हुए कहा कि जिस विद्यालय से शिक्षा की शुरुआत कर आज उन्होंने यहाँ की बड़ी जिम्मेदारी को ग्रहण किया है, यह विद्यालय के साथ उनके लिए भी विशेष मौका है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पूरी निष्ठा के साथ विद्यालय के शैक्षिक विकास एवं छात्र छात्राओं को अनेक प्रकार की गतिविधियों में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मौके पर मनोज तिवारी, शशि भूषण मिश्र समेत विद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिका और काफी संख्या में छात्र छात्रा मौजूद रहे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। Thank you.
बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहटा की कनहौली में एक ज्वेलरी दुकान से अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि व्यवसायी जब दुकान खोल रहा था तभी वहां पहुंचे अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर दुकान से करीब 2 किलो सोना और 2 लाख कैश की लूट कर ली और वहां से फरार हो गए। वहीं दिन दहाड़े हुए इस लूटकांड की घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए सड़क जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों को समझाने पहुंची पुलिस के साथ भी लोगों की झड़प हो गई। दरअसल भीटा के कनहौले स्थित गुप्ता ज्वेलर्स के मालिक जितेंद्र गुप्ता जब अपने बेटे के साथ दुकान खोल रहे थे तभी हथियार से लैस मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और आसानी से वहां से फरार हो गए। इसको लेकर दुकानदार जितेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि पार्टी को देने के लिए लगभग 2 किलो सोने के गहने और 2 लाख कैश उन्होंने दुकान में रखा था, लेकिन अपराधियों ने हथियार के बल पर ज्वेलरी से भरा बैग लूट लिया। जबकि लोगों को आवाज देने से पहले ही अपराधी अपनी बाइक से फरार हो चुके थे। वहीं इसके बाद घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और भीटा पटना मुख्य सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि यहां पहले भी कई बार चोरी की वारदात हुई है और अपराधी ज्वेलरी की दुकान को अपना निशाना बनाते हैं। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस टीम सीसीटीवी की मदद से अपराधियों की खोजबीन में जुट गई है, जबकि यह देखना होगा कि पुलिस इस लूटकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर कब तक मामले का उद्भेदन कर पाती है। सब दिन के दुकान पर आया। कितना के घर पर थे जो आपका सोना लूट हुआ? कितना था? 2 किलो से कम नहीं था। कितना कीमत होगा? सब बाकी था। कितना कीमत होगा उसका? कीमत आप कैसे बता सके? कीमत हम कैसे बिच रहा है? क्या किसी का देना था? पार्टी का देना था, पैसा देना है, उसमें कैश भी था जी। कितना? 12 बजे के पार्टी के आने का टाइम। कैश कितना था? 2 लाख रुपया कैश। अरे बाप, 2 किलो सोना था। अरे बाप। क्या आपका नाम हुआ? जितेंद्र। हम घर से दुकान पे हैं, शटर खोला, शटर खोल के अपना ऊपर वाला शटर खोला और ऊपर वाला शटर खोल के जैसे हम सामने दुर्गा मंदिर उसको गोर लग रहा था, दू को आया था सामने से, यहीं पर गाड़ी लगाया अपाची PJ 5175 है उसका। आया पिस्टल निकाला, व्हाइट पिस्टल था उसके पास, टप 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 हैंडल मारा, कनपट्टी पे हमारे भिड़ा दिया। बोला करे बेग कहा, बेग कहा, डेढ़ दिन से टारगेट लिए हुए थे, बेग कहा, बेग कहा। टप टप वहाँ पहुँचा, वहाँ से बेग उठाया, शेखपुरा में जमीनी विवाद को लेकर आए दिन घटना को अंजाम देने का सिलसिला जारी है, जबकि कहीं भी मारपीट और गोलीबारी की घटना अक्सर देखने को मिल रही है। दरअसल शेखपुरा में जमीनी विवाद को लेकर एक भतीजे ने तेज धार चाकू से अपने चाचा का गला रेतने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान स्थानीय लोगों की मदद से बीच बचाव करते हुए आनंद फानंद में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र अंतर्गत हारी गांव में जमीन विवाद को लेकर भतीजा मोहम्मद खालिक एवं मोहम्मद तवारक ने अपने चाचा मोहम्मद मुईम और मोहम्मद मतीम पर चाकू से अचानक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं इसको लेकर घायल व्यक्ति मोहम्मद मुईम ने बताया कि वे अपने दरवाजा पर बैठे हुए थे, तभी मोहम्मद खालिक और मोहम्मद तवारक ने अचानक हमला कर दिया जिससे वे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद कुछ लोगों ने उन दोनों को इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। हम तो समझा रहे थे, हम कहीं छुट्टी देखा यार, हम कह रहे थे अरे तुम्हारे भाई को कभी कुछ बोला नहीं, चाय चीनी पी लेते करते घर जाता, आप भी आया था घर जाता अपने पिलाते थे भरे में पिला, ये बोल रहे थे वो चलिए बढ़े हुए तो ठंड मन छुरिया निकाल के रहते नहीं लगा हमारी साला, तो उसको पकड़ा गया था। भीटा में लूट का विरोध करना एक युवक को महंगा पड़ गया। दरअसल भीटा थाना क्षेत्र के भगवतीपुर मोड़ के समीप पटना से लौट रहे स्कूटी सवार युवक द्वारा लूट की घटना का विरोध करना तब भारी पड़ गया जब अपराधियों ने युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर उसे घायल कर दिया। घायल युवक की पहचान थाना क्षेत्र के मुर्गियाचक गांव निवासी मुकेश कुमार के रूप में हुई है। वहीं फायरिंग की आवाज़ सुनते ही ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक सभी बाइक सवार अपराधी मौके से फरार हो चुके थे।
थे। वहीं इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा आनंद फानंद में घायल युवक को बीटा के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मुकेश कुमार पटना से अपने घर स्कूटी से लौट रहे थे, तभी भगवतीपुर मोड़ के पास पल्सर पर सवार दो अपराधियों ने हथियार के बल पर उन्हें रोककर उनसे लूटपाट शुरू कर दी और उसका मोबाइल पर्स समेत सारा सामान अपराधियों ने उसे देने को कहा, लेकिन युवक ने इसका विरोध किया। तभी अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें दो गोली मुकेश के पैर में लगी जबकि तीन गोली उसकी स्कूटी में जा लगी। वहीं इसकी सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। इसको लेकर थाना प्रभारी सनोवर खान ने बताया कि युवक के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।